वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। हमने क्यों नहीं पकड़ा? बिल्कुल डीजीपी साहब, यही तो सब जानना चाहते हैं, क्या आपकी पुलिस ने अशफाक और मोइनुद्दीन को क्यों नहीं पकड़ा, जबकि आपके पास तो सुनहरा मौका था। मौका दोनों खुद दे रहे थे। अपनी पहचान आम कर उसी यूपी में घूम घूम कर फिर गुजरात पुलिस कैसे बाजी मार गई? हमने क्यों नहीं पकड़ा? लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि हमने उनको ऑन द रन रखा और उनके सारे परिवार के लोग जिन पर हम प्रेशर बना सकते थे वो सभी गुजरात में थे। उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, सभी लोग गुजरात में थे। हमारे पास प्रेशर बनाने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं था। वैसे ये दोनों चाहते तो यूपी पुलिस की मदद कर सकते थे। वो ऐसे कि दोनों खामोशी से यूपी से नहीं भागते बल्कि ढिंढोरा पीटते भागते कि देखो पकड़ लो वरना मैं जा रहा हूँ। क्यों, भला कोई मुजरिम ऐसे कैसे क्वाइटली भाग सकता है? वो एक फ्रेंड की तरह वहां पे आए थे ताकि कोई शक न हो, कोई शुभा न हो, और उसको अंजाम करने के बाद वो बहुत ही क्वाइटली वहां से चले जाते हैं। गुजरात एटीएस बयान जारी कर कह रही है कि अशफाक और मोइनुद्दीन यूपी से भागकर नेपाल गए थे मगर फिर वहां से वापस यूपी आए और शाहजहांपुर में रहे। इतना ही नहीं, दोनों की शाहजहांपुर में मौजूदगी की कुछ तस्वीरें भी आई मगर आप कह रहे हैं कि दोनों शाहजहांपुर में थे ही नहीं। शाहजहांपुर में एक वीडियो पे वायरल हुआ था कि वो दो निकल रहे थे। हमारा मानना है कि वो तस्वीरें उनकी नहीं थी क्योंकि पोशाक में भी और पहनावा में भी डिफरेंस था। आप ये भी कह रहे हैं कि यूपी पुलिस अशफाक और मोइनुद्दीन के परिवार के लगातार संपर्क में थी, तो फिर जब दोनों ने अपने परिवार से संपर्क किया तो वो फोन गुजरात एटीएस नहीं क्यों सुना? आपकी पुलिस के कानों तक वो आवाज क्यों नहीं आई? हम लोग अभी जा रहे हैं शाहजहांपुर, रुके वहाँ से हम लोग लखनऊ कल चले जाएंगे। उनके परिवार वालों से भी संपर्क में थे। अब ये क्या दलील हुई कि दोनों एक जगह टिक ही नहीं रहे थे? टिक जाते तो हम पकड़ लेते, और अगर उनको यूपी पुलिस के एनकाउंटर का इतना ही डर होता तो नेपाल जाने के बाद दोबारा उसी यूपी में क्यों आते? कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं टिक पाए, उनको एक फियर होगा हमारी एग्रेसिव नीति का, हमारी एग्रेसिव पुलिसिंग का, और जिस तरह से हम एक क्रिमिनल्स के प्रति एक हम प्रेशर माउंट कर रहे हैं, वो प्रेशर चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रेशर हो या फियर का प्रेशर हो, आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों से क्राइम में जो सुधार हुआ है, क्राइम की स्थिति में जो सुधार हुआ है, वो अपने आप में एक मिसाल है। चलिए, आपकी वजह से आज क्रिमिनल की एक नई साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल फैक्टर का भी ज्ञान हो गया। आज पहली बार पता चला कि मुजरिम भी अपने इलाके की पुलिस के साथ ज्यादा सहज रहते हैं। उनका एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो गुजरात में ज्यादा, बिकॉज दे बिलोंग टू गुजरात, दे वर नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो उनको एक कंफर्ट लेवल मिला होगा कि वो गुजरात गए। अब आप भले ही लाख कहें कि ये यूपी और गुजरात पुलिस दोनों की सफलता है, और चाहे माने या ना माने, पर आपको मलाल तो होगा। आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? नहीं नहीं, पुलिस ने काम किया, गुजरात एटीएस इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, उसने किया या हमने किया, बात एक ही है। इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात पुलिस ने यूपी पुलिस को आईना दिखा दिया है। पिछले चार दिनों में यूपी पुलिस मोइनुद्दीन और अशफाक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी करती रही। यूपी पुलिस को यह डर था कि कहीं गुजरात पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार न कर ले, उठा न ले। वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार ये दोनों गुजरात पुलिस के ही हत्थे चढ़ गए। लेकिन इतने कम समय में ये इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो गई, केस खुल गया, इसकी तारीफ तो होनी चाहिए। लेकिन तारीफ किसकी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर गुजरात पुलिस, ये आप तय करें। सूरत से गोपी घांगर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।